सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को सुप्रभात है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो सुबह सुबह समय हो रहा है 9:15 AM और मैं डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी आपके सामने। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बिना चार्ट्स, बिना कैंडल स्टिक, बिना किसी इंडिकेटर को देखे सीधा सीधा बात हम लोग करेंगे कि LTP कैलकुलेटर के इस्तेमाल करके कैसे हम बाजार को समझ सकते हैं, बाजार को ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारी बातें होंगी, पूरे दिन का रेंज मैं आपको बता दूंगा अगले 15 मिनट्स के अंदर, अगले 15 मिनट के अंदर, कि पूरे दिन ये बाजार कैसे चलने वाला है और कहां से कहां तक चलने वाला है इसी कैलकुलेटर के इस्तेमाल से। तो एकदम दिल थाम के बैठ जाइए, और अगर अभी तक आपने इन्वेस्टिंग रेडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए सीखने की शुरुआत करते हैं, बाजार को समझने की शुरुआत करते हैं कि आखिर ये बाजार चलता कैसे है, और इसको हम लोग LTP कैलकुलेटर पर देखने की भी शुरुआत करते हैं। अगर हम बाजार को ध्यान से देखें, अभी फिलहाल मॉर्निंग एकदम सुबह सुबह हो रहा है, LTP कैलकुलेटर गूगल पर ऑलरेडी एक टॉप ट्रेंडिंग टूल है। अगर आप गूगल पर लिखें LTP कैलकुलेटर तो आपको टॉप पे ट्रेंड करता हुआ दिखाई देगा और आप इसको साइन अप कर सकते हैं। ये एक पेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का डेटा टूल है। यहाँ पर डेटा जो हमारे पास आता है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से आता है। बाजार को कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग लाइव मुझे देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के गुड मॉर्निंग मैसेजेस आ रहे हैं। तो सभी को गुड मॉर्निंग है, एक बार फिर से सभी को सुप्रभात है, एक बार फिर से आकाश कुमार जी, रतन काडू जी, अनुज पंचाल जी, राहुल सिंह जी, भानु यावले जी, सभी को गुड मॉर्निंग है। समझने की कोशिश करेंगे बाजार को। अभी देखिए समय कितना हो रहा है, समय हो रहा है 9:19 AM, यानी कि बाजार में अब हमको डेटा आना शुरू हो गया है, अब हमको दिखाई देना शुरू हो चुका है कि ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम्स क्या होती है। मैं अभी यहाँ पर कुछ चीजें आपको, कुछ फीचर्स इसके बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि कैसा दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए कैलकुलेटर जब भी आप देखते हैं तो यहाँ पर बीच में आपको दिखाई देती है स्ट्राइक प्राइसेस। ये स्ट्राइक प्राइसेस है, स्ट्राइक प्राइसेस मतलब होता है मार्केट का पड़ाव। इसको हम लोग प्रॉपरली भी सीखते हैं, समझते हैं, बहुत समय लगता है इसको सीखने में, जानने में। तो ये इस बीच में जो हमको दिखाई दे रही है ये सारी स्ट्राइक प्राइसेस हैं। इन स्ट्राइक प्राइसेस के इर्द गिर्द, इन स्ट्राइक प्राइसेस के लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो ये कॉल्स का डेटा है, और राइट साइड में आप देखेंगे तो ये पुट्स का डेटा है। बीच में स्ट्राइक प्राइसेस ने बॉर्डर क्रिएट कर रखा है। लेफ्ट हैंड साइड पर आपके कॉल्स का डेटा है, राइट हैंड साइड पर पुट्स का डेटा है। कॉल्स का डेटा काम क्या करता है, जो ये राइट साइड वाला सारा डेटा है, ये सारा डेटा बाजार को ऊपर जाने से रोकता है, और पुट साइड वाला डेटा बाजार को नीचे गिरने से रोकता है। तो बाजार को हम लोग ध्यान से देखें तो बाजार 741 के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा है, यानी कि फ्लैट ओपनिंग हुई है। जहां पर कल क्लोज हुआ था उसी जगह से ओपन हुआ ये बाजार अभी फिलहाल। अब देखिए ध्यान से रेंज कैसे पता चलती है हमको, आप कलर के गुच्छों को देखिए। यहां पर चार मेजर कलर्स हैं, 5 मेजर कलर्स हैं। पिंक कलर, ये कलर्स कहां दिखाई दे रहे हैं आपको, इन बॉक्सेस में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको इमेजिनरी लाइन बता दूं, ये आपको रेड कलर की पतली सी थिन लाइन, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, आप इस वीडियो को दोबारा आके फिर देखिएगा, अभी भी देखिए, लाइव देखिए, दोबारा आके फिर देखिएगा। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मार्केट भी साथ में चल रहा है, हम लाइव हैं, और साथ ही साथ मुझे आपको बाजार को भी प्रिडिक्ट करके बताना है कि आज पूरे दिन में ये बाजार कहां से कहां तक किस रेंज में चलने वाला है। तो इसलिए मैं कुछ पॉइंट्स को थोड़े जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। हाउएवर दोबारा आइएगा चैनल को, इन्वेस्टिंग रेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नए हैं, जो लोग पुराने हैं, वो तो जानते ही हैं कि ये क्या चीजें हैं। हाउएवर जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, वापस से आइएगा इस वीडियो को, प्लेबैक स्पीड को कम करके धीरे धीरे देखिएगा, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी। तो ये बीच में आप रेड कलर की पतली सी थिन लाइन देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, इमेजिनरी लाइन रिप्रेजेंट करती है बाजार का भाव। ये मार्केट प्राइस आप देख रहे हैं 742, इसी बाजार के भाव को ये इमेजिनरी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि 700 और 750 के बीच में ये मार्केट प्राइस है। यही मार्केट अगर अभी 755 पे पहुंच जाए तो ये इमेजिनरी लाइन यहां चली जाएगी, यानी 750 और 800 के बीच में। यही मार्केट प्राइस अभी 700 के नीचे चला है तो इमेजिनरी लाइन यहां चली जाएगी, यानी 700 और 650 के बीच में। जो ऑप्शन चेन होता है, इस ऑप्शन चेन में बॉटम यहां होता है, इसको हम लोग बॉटम बोलते हैं, ध्यान से देख लीजिए, और ऑप्शन चेन में टॉप यहां होता है, इसको हम लोग टॉप बोलते हैं। यानी कि बाजार जब बुलिश होगा तो ये इमेजिनरी लाइन
टॉप की तरफ ट्रेवल करेगी, मतलब 750 से 800 की तरफ आएगी, 800 से 850 की तरफ जाएगी, और बाजार जब बेरिश होगा नीचे की तरफ गिरेगा, तो ये मेसेंजर लाइन बॉटम की तरफ ट्रेवल करेगी, यानी 700 की तरफ जाएगी, 650 की तरफ जाएगी, इस तरीके से ट्रेवल करती है ये मेसेंजर लाइन। अब यहां पर आपको कलर के गुच्छे दिखाई दे रहे हैं, इन कलर के गुच्छों को समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन चेन में ये कलर के गुच्छे बेहद काम के होते हैं, हालांकि डिटेल्ड वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के बारे में हम लोग कम्युनिटी क्लासेस में सीखते हैं। जिन लोगों को ऑप्शन चेन को डिटेल्ड सीखना है वो हमारा संडे वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। संडे वेबिनार कब होता है? एवरी संडे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये लिंक यहां पर दी हुई है, इस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक आपको आपके चैट बॉक्स में दे दूंगा। उसकी फी होती है 234 रुपीज। ज्वाइन संडे वेबिनार जस्ट एट 234 ऑन बिलो लिंक। ठीक है, मैं लिंक को कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूं, तो पिंड मैसेज में आपको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर वहां हम डिटेल्ड वॉल्यूम और वाई समझेंगे। यहां बस मैं आपको कलर के फॉर्मेट में बता कि कलर यहां पर देखिए आपको कलर का गुच्छा कौन सी स्ट्राइक प्राइस में, येलो कलर अवॉइड करिएगा, आपको वॉल्यूम में ब्लू कलर देखना है, वाई में ग्रीन कलर देखना है। कलर के गुच्छे को देखिए कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस से लेकर के कौन सी स्ट्राइक प्राइस तक गुच्छे हैं। तो मैं पूरे गुच्छों की बात करूं तो आज बाजार का जो गुच्छा है वो 600 से लेके 850 तक के बीच का है, यानी कि आज बाजार की जो रेंज अभी दिखाई दे रही 600 से 850 की, तो बहुत बड़ी रेंज हो गई। 600 से 850 इज वेरी वेरी बिग रेंज। ये अब क्लोज होगी और क्लोज होती चली जाएगी, जिससे बाजार में स्क्रू टाइट होगा, मतलब मैक्सिमम 600 नीचे की तरफ मिनिमम और मैक्सिमम ऊपर की तरफ 850, ये अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है। मार्केट शुरू कहां से हुआ हम वहां से बात की शुरुआत करेंगे। देखिए बाजार में दो चीजें होती हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो आप पढ़ते हैं। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अलावा मेरी 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स की थ्योरी में 6 चीजें होती है। सपोर्ट तो उसका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, रेजिस्टेंस तो उसका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, डाइवर्जन तो उसका एंड ऑफ डाइवर्जन, ये सारी बातें होंगी। तो होता क्या है, बाजार चलता कैसे है, दिखता कैसे है, वो मैं बताता हूं। ध्यान से देखिए, ऊपर में यहां टॉप पर करंट रेंज, आपको रेजिस्टेंस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आज का रेजिस्टेंस अभी फिलहाल 18,800 है और सपोर्ट 18,700 है, यानी कि बाजार नीचे गिरेगा तो 700 से थोड़ा नीचे गिर के फिर वापस चलाएगा, एक्सटेंशन लेके वापस चलाएगा। ऊपर जाएगा तो 800 से थोड़ा ऊपर जाके वापस चलाएगा। अभी फिलहाल बाजार 733 पर चल रहा है और मार्केट ओपन हुए लगभग 925 पे। इतने सिनेरियोस को देख करके अभी के टाइम में मुझे जो अब रेंज दिखाई दे रही है इस बाजार की, जो हमने 600 से 850 डिसाइड की थी, अब मुझे वो रेंज कंसाइज होती हुई दिखाई दे रही है 700 और 800 के बीच में। 700 और 800 के बीच में क्यों? क्योंकि जब आप मेरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को पढ़ेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को पढ़ेंगे, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन कैसी होती है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और फिर हाईएस्ट वॉल्यूम, इन दोनों में से कोई भी इमेजिनरी लाइन की जो ज्यादा करीब है, पुट साइड में वही सपोर्ट कहलाता है, कॉल साइड में वही रेजिस्टेंस कहलाता है। तो यहां पर आप सपोर्ट को ध्यान से देख लीजिए, सपोर्ट कितना दिखाई दे रहा है 18,700, रेजिस्टेंस कितना दिखाई दे रहा है 18,800। तो 700 से लेकर के 800 के बीच की कहीं रेंज दिखाई दे रही है अभी फिलहाल हमको बाजार। फिर आती है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी की थ्योरी, कैसे होती है अभी मैं दिखाता हूं। येल्लो कलर शोज यू द वे, येल्लो कलर आपको रास्ता दिखा, लेकिन इसके लिए आपको सुबह 9:15 से बाजार को देखना पड़ेगा। देखिए 9:15 मैंने हिस्टोरिकल डेटा, ये देखिए हिस्टोरिकल डेटा का एक बटन है, इस हिस्टोरिकल डेटा के बटन पर मैं क्लिक कर रहा हूं। इस पे क्लिक करने के बाद मुझे ये 9:15 से डेटा दिखाई दे रहा है। सुबह 9:15 की बात करूं तो रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई है 18,850 से और सपोर्ट की शुरुआत हुई है 18,700 सुबह से। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है 850 से, ये 800 और 750 की तरफ वीक टुवर्ड्स बॉटम, और सुबह से सपोर्ट 600 की तरफ वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। वीक टुवर्ड्स बॉटम कहने का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग कभी डिटेल्ड मौका मिलेगा तो वहां समझाएंगे। अभी फिलहाल मैं मोटा मोटा बता देता हूं कि ये बाजार नीचे की तरफ बॉटम की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और वो आपको येल्लो कलर से पता चलेगा। ब्लू कलर के जिस कॉन्टेक्स्ट में इस तरफ बॉटम की तरफ येलो कलर है तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम कहते हैं। ऊपर में लिखा हुआ भी देख सकते हैं आप, रेजिस्टेंस इज WTB, WTB का मतलब वीक टुवर्ड्स बॉटम।
सपोर्ट इज WTB. WTB का मतलब वीक टुवर्ड्स बॉटम. अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम है मतलब बॉटम की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है मार्केट, और वीक टुवर्ड्स टॉप होता है इसका मतलब टॉप की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा होता है बाजार. तो मॉर्निंग में से बात करें तो रेजिस्टेंस 18,800, सपोर्ट 18,700. अब करंट मार्केट की बात करें तो करंट मार्केट में भी वही बात हमको दिखाई दे रही है, रेजिस्टेंस 18,800 और सपोर्ट 18,700. ये दोनों जो है वीक टुवर्ड्स बॉटम होने का प्रयास कर रहे हैं, यानी बॉटम की तरफ कमजोर होने का प्रयास कर रहे हैं. और बॉटम की तरफ कमजोर बाजार हमेशा हमको टॉप से बिकवाली का रास्ता दिखाता है, कि हर टॉप से बेचने का रास्ता दिखाता है. हालांकि अभी फिलहाल ये बहुत ही जल्दी होगा कहने के लिए, लेकिन फिर भी चूंकि समय हो गया है लगभग 9:30, तो यहां से हम मार्केट की रेंज को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि कहां से कहां तक बाजार चल. अभी फिलहाल इस बाजार को देखें तो सपोर्ट हमारा 700 है, रेजिस्टेंस हमारा 800 है, जो कि 750 पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है. अगर पूरे दिन यही सिनेरियो बना रहा तो हर टॉप से भी क्वाली आएगी. अब हम लोग टॉप डिसाइड करते हैं कि बाजार का टॉप क्या क्या है, कैसे डिसाइड होता है बाजार का टॉप. हमारा रेजिस्टेंस है 18,800, तो हम इस 18,800 का एक्सटेंशन निकालेंगे कि 800 से कितना ऊपर बाजार जा सकता है, वो हम इस कैलकुलेटर पर ही निकाल सकते हैं. ये देखिए मैंने एक वैल्यू क्लिक किया, यहां पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस लिख करके आ गया. कितना आ रहा है वैल्यू, वैल्यू आ रही है 18,815. तो मैं पहली लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो लाइन है हमारी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की 18,815. इसको हम लोग बोलते हैं 4 magical lines. 4 magical lines ड्रॉ करेंगे हम बिना कोई कैंडल देखे, बिना कोई चार्ट देखे, बिना कोई इंडिकेटर देखे, कुछ नहीं करेंगे. दिस इज स्कोर बेस्ड कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन. तो ये हो गई हमारे, हम ये हो गया हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस EOR, विच इज WTB. यहां हम डिटेल लिख लेंगे ताकि हमको दिन के बाद के टाइम पे याद रहे. एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो कि WTB है, कहां पर WTB है, एट 18,750, 18,750 पर WTB है, उसका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ये है. 18,750 पे WTB मतलब येलो कलर आप देखिए 18,750 में बना हुआ है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये WTB है. अगर आप बिल्कुल नए हैं YouTube पर, पहली बार हमको देख रहे हैं, तो इन्वेस्टिंग रेडी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा. ऑप्शन चेन यानी कि LTP कैलकुलेटर गूगल पर एक टॉप ट्रेंडिंग टूल है. अगर आप गूगल पर लिखें LTP कैलकुलेटर तो आपको आपको सिंपली पहली लिंक दिखाई देगी. और यहां पर हम लोग इसको आज लाइव मार्केट में सीखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, अब समझने की कोशिश करिएगा, अब समझने की कोशिश करिएगा वीक टुवर्ड्स बॉटम. ऐसे ही अब हमने रेजिस्टेंस देख लिया कि आज 815 इस टॉप रेंज, टॉप की रेंज है आज के बाजार की, मतलब मैक्सिमम ऊपर की तरफ की रेंज है 815. लेकिन ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, यानी कि आने वाले समय में ये रेजिस्टेंस हो सकता है कि 750 पर शिफ्ट हो जाए, क्रिएट हो जाए. तो जब 750 पर क्रिएट हो जाएगा मतलब 750 का डाइवर्जन भी आज बाजार में बेहद मायने रखेगा. एंड 750 का डाइवर्जन है 18,776. ये देखिए ये वैल्यू दिखाई दे, तो हम लोग 18,776 पर भी एक लाइन खींच के रख लेंगे. ये हमारा है डाइवर्जन, ये हमारा है डाइवर्जन. यहां लिख लेंगे डाइवर्जन ऑफ 18,750 का डाइवर्जन है उस स्ट्राइक प्राइस का. अच्छा, ये हो गया हमारा दूसरा टॉप. अगर रेजिस्टेंस यहां शिफ्ट हो गया तो दिस वुड बी मैक्सिमम हाई, ये मैक्सिमम हाई होगा, और मॉडरेट ट्रेडर्स के लिए यही बेचने की सटीक जगह भी होती. बाजार में सही वैल्यू का इंतजार करके ट्रेड करेंगे तो आपको बेहतरीन जवाब मिलेगा बाजार से. सपोर्ट को देखिए, ये सपोर्ट आपको कैसा दिखाई दे रहा है. ये सपोर्ट में दोनों ही के देखिए, ही दोनों ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम तैयारी कर रहे हैं शिफ्ट होने की 600 पर. तो हमारा नियम ये है कि बाजार जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है उसके एक डाइवर्जन नीचे तक गिरने की क्षमता रखता है, यानी 650 के नीचे, यानी कि जो हमारा बॉटम ऑफ द डे अभी तक बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो 630 है. ये उस केस में, जबकि ये 630 पे मैं एक लाइन खींच रहा हूं, मार्क कर रहा हूं, ये उस केस में जबकि ये सपोर्ट शिफ्ट नहीं होगा. सुन लीजिए ध्यान से,
उसी केस में, जबकि ये ब्लू कलर यहां नहीं आएगा, ये येलो कलर अगर पूरे दिन रह गया तो ये बात हो रही है, लेकिन अगर ब्लू कलर यहां चला गया तो बाजार और नीचे टूट सकता है, अगर उसको वक्त मिला तो कहां तक और नीचे टूट सकता है, फिर वो बाजार 550 के डाइवर्जन यानी कि 540 तक टूट सकता है, लेकिन वो बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम लोग यही लाइन खींच के रख रहे हैं, अगर बाद में कोई चेंजेस आएगा तो अकॉर्डिंगली हम लोग लिखेंगे। तो दिस इज व्हाट डाइवर्जन ऑफ WTB+1, जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है उससे एक डाइवर्जन पहले तक का ये डाइवर्जन। तो एक और लाइन हमको मिल गई, 3 मैजिकल लाइंस मिल चुकी हैं, अब हमको ढूंढनी है चौथी मैजिकल लाइन। द फोर्थ मैजिकल लाइन वुड बी अगर सपोर्ट इसी जगह पर स्ट्रांग हो गया तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यानी कि 681 वुड बी फोर्थ मैजिकल लाइन, 681। तो एक लाइन हम लोग यहां पर खींच लेते हैं, ये फॉर नाउ EOS है, अभी के लिए फिलहाल यही एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। बस ये चार लाइंस हमारे लिए तैयार हो गई और यही चार लाइंस हमको दिन का रास्ता दिखाएंगी कि दिन में हमको कहां से कैसे ट्रेड करना है। अभी फिलहाल बाजार को आप देखें, एकदम सामने सटीक देखें बाजार को, तो बाजार आपको किसी भी लाइन पर नहीं दिखाई दे रहा है, बीच में है, तो हमको इंतजार करना पड़ेगा। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 क्या कहती है वो समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं एक रेंज बताता हूं आपको, एक तरीका बताता हूं आपको। मैं एक एरो खींच रहा हूं इस ब्लू कलर से लेकर के इस येलो कलर पर, रेजिस्टेंस है चूंकि 18,800 पर, तो मैं 18,800 से येलो कलर पर एक एरो खींच रहा हूं। इसी तरीके से सपोर्ट है चूंकि 18,700 पर, तो मैं 700 से एक एरो खींच रहा हूं जहां तक येलो है। दोनों एरो का फेस देखिए किस तरफ है, दोनों एरो का फेस ऊपर की तरफ है, रेजिस्टेंस का के एरो का भी फेस ऊपर की तरफ, सपोर्ट के एरो का भी फेस ऊपर की तरफ। अब इस बात को आप मैच कराइए यहां पर, ये देखिए ऊपर टॉप कॉर्नर पर COA लिखा हुआ है, ऊपर टॉप कॉर्नर पर COA लिखा हुआ है। COA का मतलब होता है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, LTP कैलकुलेटर पर जितनी भी थ्योरीज है, ये सारी थ्योरीज मेरी खुद की थीसिस है, मेरी खुद की रिसर्च है और जबरदस्त काम करती है। इस बाजार में हर एक बात मैंने लिख रखी है कि किस कंडीशन में क्या होगा, ऐसे मल्टीपल एन नंबर ऑफ सिनेरियोज हैं। तो ये सिनेरियो ऐसा सिनेरियो है जिसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही वीक टुवर्ड्स बॉटम है। अभी कल ही हम लोग इस सिनेरियो की बात में पढ़ाई कर रहे थे कि जब सपोर्ट रेजिस्टेंस जो कि सिंपली वीक टुवर्ड्स बॉटम है, साधारणतया वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ऐसे केस में बाजार कहां तक गिर सकता है। तो 650 का डाइवर्जन वैसे तो ये ब्लड बाथ का केस है, यानी कि टॉप से टूटने का बाजार है, टूटते रहने का बाजार है कि टॉप से टूटेगा यह बाजार, ऐसा दिखा रहा है अगर दिन में कोई बदलाव नहीं हुआ। हर टॉप से बिकवाली का बाजार है, तो अगर दिन में कोई बदलाव नहीं हुआ तो हर टॉप से टूटता ही रहेगा यह बाजार, जब जब टॉप पे आएगा नीचे टूट के गिरेगा यह बाजार, नीचे टूट के गिरेगा अगर कोई बदलाव यहां तक नहीं हुआ तो। तो WTB दोनों ही WTB है, COA पर मैंने क्लिक किया, ये देखिए दोनों एरो आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं यहां पर, यानी कि सिनेरियो नंबर छह में कहीं से कॉल खरीदने की कोई बात नहीं की गई है, सिनेरियो नंबर छह में सिर्फ पुट खरीदने की बात की गई है, हर टॉप से बिकवाली की बात की गई है। यहां कहा गया है कि कॉल खरीदना बेहद खतरनाक है, यानी कि बाजार को टॉप पर आने का इंतजार करने देना है, अपनी वैल्यू का इंतजार करने देना है और उस वैल्यू से हमको बेचना है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी बेच देंगे, कहीं से भी पुट खरीद लेंगे, अगर कहीं से भी बेच दिए, कहीं से भी पुट खरीद लिए तो वो आपके लिए बेहद खतरनाक साबित हो जाएगा, क्योंकि ऐसे केस में आप पहले ही अपने आप को खर्च कर डालेंगे, और अगर गलती से भी पहले ही आपने अपने आप को खर्च कर डाला तो जब एक्चुअल ट्रेड आएगा तो आप ट्रेड नहीं लेने पाएंगे, तो LTP कैलकुलेटर अगर आपने इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। अगर आपको डिटेल्ड ऑप्शन चेन सीखना है तो डिटेल्ड ऑप्शन चेन कैसा होता है, डिटेल्ड ऑप्शन चेन में एलटीपी कैलकुलेटर की डिटेल एनालिसिस हम लोग सीखते हैं। ये एक दिन, दो दिन, पांच दिन, दस दिन की बात
नहीं, हमारा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है। अगर कोई टेलीग्राम पर आपसे इन्वेस्टिंग डैडी या एलटीपी कैलकुलेटर के नाम से अप्रोच कर रहा है तो ही इज डूइंग फ्रॉड। हम कभी आपको कोई कोल्ड कॉलिंग नहीं करते, मतलब आगे से हमारा फोन आपके पास नहीं आएगा कि भैया आप एलटीपी कैलकुलेटर सब्सक्राइब कर लो, कभी नहीं। अगर कोई व्यक्ति आपको आगे से फोन करके बोल रहा है कि एलटीपी कैलकुलेटर सब्सक्राइब कर लो, इट मींस दैट इज अ फ्रॉड। वो एक फ्रॉड है जब तक आप हमको आगे से अप्रोच नहीं करें। हमारा कोई व्हाट्सएप पे ऐसा ग्रुप नहीं है जिसमें हम लाइव ट्रेड्स देते हैं या लाइव आपको बाजार में ट्रेडिंग करके पैसा कमवाते हैं। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो दैट इज अ फ्रॉड। हम कोई टिप्स नहीं देते, कोई एडवाइजरी नहीं देते। अगर कोई एलटीपी कैलकुलेटर या इन्वेस्टिंग डैडी के नाम से ऐसी बातें कर रहा है तो दैट इज अ फ्रॉड। ये चैनल स्टडी पर्पज से है, सीखने के मकसद से है, बाजार की थ्योरीज को सीखने के मकसद से है, बाजार को समझने के मकसद से है। तो ऐसे किसी भी स्कैम या फ्रॉड का शिकार मत होइएगा। अब आगे की बात समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब वॉइस नोट भी बोल देते हैं साथ में, ठीक है। चलिए, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर। और वॉइस नोट बोल देते हैं, आईडेंटी पिक्स काम करवाएंगे तब काम करेगा ना जोनाथन वाइट जी। चलिए, नहीं कोई फ्री डेमो नहीं है एलटीपी कैलकुलेटर का। कोई फ्री डेमो आपसे माफ बोलता है कि फ्री डेमो दिलवा दूंगा तो वो भी एक फ्रॉड है, ठीक है। अब देखिए, रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया है 750 पर, सपोर्ट अभी भी वीक टुवर्ड्स बॉटम बना हुआ है। रेजिस्टेंस 750 पर, ये बाजार आज बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, याद रखिएगा। 600 से लेके 800 की रेंज बहुत बड़ी रेंज है, बहुत कुछ होने वाला है आज के दिन में इस बाजार में, बहुत कुछ होने वाला है। तो बहुत सावधान रहिएगा, बहुत खर्च मत करिएगा अपने आप को। चलिए मैं यहां से वॉइस नोट बोल देता हूँ। वॉइस नोट एलटीपी कैलकुलेटर पर एक फीचर होता है जिस फीचर का जिसमें मैं जो भी लोग एलटीपी कैलकुलेटर सब्सक्राइब कर रखे हैं उनके लिए दिन का एक अपना व्यू देता हूँ बाजार में कि आज मैं किस एंगल से बाजार को देख रहा हूँ। चलिए वॉइस नोट बोल देता हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को सुप्रभात है, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। अभी फिलहाल जैसा बाजार को हम लोग देख पा रहे हैं, बाजार में रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है 18,750 पर, सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 18,700 पर। रेजिस्टेंस जो कि पहले 18,800 पर था वो वीक टूवर्ड्स बॉटम होकर के 18,750 पर शिफ्ट हो गया। सपोर्ट जो कि 18,700 पर है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम है। आज के दिन में गेम ऑफ परसेंटेज बेहद क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है क्योंकि बाजार की रेंज बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। बाजार की रेंज 18,650 से लेकर के 18,800 तक की दिखाई दे रही है। ये बहुत बड़ी रेंज है, 150 पॉइंट के ऊपर की रेंज है मार्केट में। तो यानी कि मूवमेंट्स तो होने वाले हैं, एक्शन होने वाले हैं आज बाजार में। इसको हम लोग समझेंगे कैसे, इसको हम लोग देखेंगे कैसे, ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप बाजार को यहां पर ध्यान से देखें तो बाजार अब आपको किस चीज पर ध्यान रखना है। पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जो रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट हुआ है। अब रेजिस्टेंस के शिफ्ट होने के कारण आपको वॉल्यूम WTT दिखाई दे रही है 99.92%। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर ये बाजार बेरिश होना है तो ये वॉल्यूम कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती रहनी चाहिए। दूसरी बात, 18,700 वीक टुवर्ड्स बॉटम है सपोर्ट पुट साइड में। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ये वॉल्यूम कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती रहनी चाहिए, तब जाके टॉप से बिकवाली आएगी। कब बिकवाली नहीं आएगी ये जानना बेहद जरूरी है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि फंसेंगे आप वहीं पर। यहां नहीं फंसेंगे, टॉप से बेचने में नहीं फंसेंगे। फंसेंगे कहां ये मैं बताता हूं, और इस बात का ख्याल रखिएगा। इमोशनल मत होइएगा, कल जो भाई साहब से बात कर रहा था उनकी तरह इमोशनल मत होइएगा। सब कुछ देख करके भी अनदेखा मत करिएगा, कहां फंसेंगे सुनने की कोशिश करिए। अगर कहीं किसी केस में, ध्यान से सुन लीजिए, अगर कहीं किसी केस में सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग हो गया, बेहद ध्यान से सुन लीजिए, अगर कहीं किसी केस में सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग हो गया और रेजिस्टेंस की परसेंटेज ऐसे ही स्टेबल रह गई, ऐसे केस में सपोर्ट स्ट्रांग और रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बन जाएगी। यानी कि ये होगा अभी नहीं, ये होगा लगभग यहां से 1.5 घंटे बाद। अगर ऐसा होना होगा तो रेजिस्टेंस ऐसे ही ब्लिंक करता रहे 750 और 800 के बीच में, और सपोर्ट धीरे 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 करके स्ट्रांग। और अगर ऐसा हो गया तो फिर वो ब्लडबाथ वाली सिचुएशन खत्म हो जाएगी, याद रखिएगा। फिर क्या होगा, फिर बॉटम पकड़ के मार्केट टॉप की तरफ चल पड़ेगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, ये अभी एकाएक से नहीं होगा, इसको होने में 1.25-1.5 घंटे का वक्त लगता।
तो अगर कहीं किसी बेरिश पोजीशन में हम जा रहे हैं तो हमको यह ख्याल रखना है कि जिस शिफ्टिंग की तैयारी शुरू हुई है 800 से 750 पर, वो शिफ्टिंग पूरी होनी चाहिए। अगर नहीं पूरी हो रही है, स्टेबिलिटी है परसेंटेज में, तो खतरनाक है। सपोर्ट अगर स्ट्रांग हो रहा है तो भी खतरनाक है। तो इन खतरों का एहसास करते रहिएगा। दूसरी बात बेहद ध्यान से सुन लीजिए, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 जो कि 750 से हम देखना शुरू करते हैं, क्या कहती है। अभी पुट के राइटर्स बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं 18,750 पर। 800 पर बात करें तो कॉल के राइटर्स बेहद स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। 700 पर बात करें तो पुट के राइटर्स बेहद स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों को आपस में कंपेयर करें तो 750 पर कॉल और पुट के राइटर पैरेलल चल रहे हैं, यानी कि ये लड़ाई अभी बाजार में 750 के इर्द गिर्द की है। मतलब अगर बाजार 750 के ऊपर जाएगा तो 776 तक ट्रेवल करेगा, और 750 के नीचे गिरेगा तो 725 की एक वैल्यू है। तो एक पांचवी लाइन अब इंट्रोड्यूस करने का वक्त हो गया है, 725। दिस इज इमीडिएट बॉटम, ये एक इमीडिएट बॉटम है बाजार का। यहां पर आप लिख लीजिए इमीडिएट डाइवर्जन, ये इमीडिएट डाइवर्जन है ऑफ 750। 750 का एक कॉल साइड का डाइवर्जन हमने ऊपर दिया, एक पुट साइड का डाइवर्जन। तो अभी फिलहाल बाजार इन दोनों वैल्यूज के बीच में दिखाई दे रहा है, इन दोनों वैल्यूज के बीच में दिखाई दे रहा है। अगर आपको इससे आगे निकलता हुआ देखना है या इससे नीचे गिरता हुआ देखना है तो आपको 2.0 पर खास ख्याल रखना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ किसी केस में कि कॉल साइड बहुत बढ़ता 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 चला गया और पुट साइड ड्रॉप होना शुरू हो गया ओपन इंटरेस्ट, तो समझ जाइएगा कि बाजार बेरिश होने की कगार पर है। अगर किसी केस में सपोर्ट अपने आप में बेहद स्ट्रांग हो गया, तो एक सबसे रेयर केस में बता रहा हूं, सबसे ज्यादा रेयर केस, रेजिस्टेंस में भी ऐसा ही स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जैसा बना हुआ है, ये कंटिन्यूअसली बना रहे, और सपोर्ट में भी ऐसा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जैसा बना हुआ है वो बना रहे। अभी इसको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं कहेंगे, डेढ़ घंटे बाद कहेंगे, लेकिन अगर यही बनी रही, कोई चेंजेस नहीं आया, तो ये बाजार कंसोलिडेट हो जाएगा, यही थमा रह जाएगा, कहीं नहीं मूव करेगा, इसी जगह पर इसी 5-10-15 पॉइंट में ही घूमता रह जाएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि सही वैल्यू का इंतजार करिए, पूरा इंतजार करिए। पांचों लाइंस खींच रखी हैं, यूट्यूब पर लाइव वो वीडियो ऑलरेडी चल रहा है, बाद में भी आके आप देख सकते हैं। एकदम इंतजार करिए, बिना किसी वैल्यू के कोई ट्रेड लेने की कोशिश मत करिएगा, वरना बाजार में एज अ बायर आपका प्रीमियम पूरी तरीके से चला जाएगा। तो ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। चलिए भैया, ये वॉइस नोट भी हो गया, इसको अपलोड कर देता हूं। अब साथ ही साथ मैं इनवाइट करूंगा कुछ लोगों को, जो लोग अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, तो ग्रुप में मैं इनविटेशन लिंक भेजूंगा, जो लोग कम्युनिटी मेंबर्स हैं हमारे, चलिए साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं हम लोग आईडेडी पिक्स की। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ख्याल करते हैं। वैसे तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आने वाले जुलाई मंथ से अपनी पहली एक्सपायरी से चेंज कर दिया है, वो फ्राइडे को हो जाएगी। अब आज फिलहाल अभी थर्सडे को ही एक्सपायरी है, यानी कि आज ही ये एक्सपायरी। सुबह से बैंक निफ्टी की बात करें तो सुबह से बैंक निफ्टी में सपोर्ट जो दिखाई दे रहा था, वो सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा था, वो सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा था 44 फिर से देखता हूं, मैं उधर ध्यान नहीं दे पाया, वापस से लगाता हूं मैं 9:15 AM से बात की शुरुआत करें तो सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा था 44,000, यहां से प्ले करते हैं 44,000, और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था 44,300। सपोर्ट 44,000 से वीक टुवर्ड्स टॉप, मतलब शुरुआत वहीं से हुई है, और 43,000 से वीक टुवर्ड्स टॉप ऐसा दिखाई दे रहा है। बाद में सपोर्ट 44,200 पर आ गया और रेजिस्टेंस अपने आप में 44,300 पर स्ट्रांग होना शुरू हो गया। तो सपोर्ट 44,200 और रेजिस्टेंस 43,000, यानी सपोर्ट में कंटिन्यूअसली ब्लिंक्स हो रहे हैं, 44,000 और 44,200 में कंफ्यूजन है, और रेजिस्टेंस 43,000 पर धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है। अभी फिलहाल करंट में बैंक निफ्टी की बात करें तो करंट में सपोर्ट अभी भी 44,200 और 300 के बीच में कंफ्यूज्ड है, और रेजिस्टेंस 43,000 पर है। ऐसे केस में अगर रेजिस्टेंस अपने आप में पूरा स्ट्रांग हो गया और सपोर्ट में ऐसा ही कंफ्यूजन कंटिन्यूअसली बना रहा, तो बैंक निफ्टी में टॉप से बिकवाली आएगी।
अभी फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी की बात बता दूं तो अगर सपोर्ट भी इक्वल टॉप है भी रेजिस्टेंस भी है तो मैक्सिमम बैंक निफ्टी 44,400 का डाइवर्जन ले सकती है, यानी कि 44,444 ये वैल्यू, ये एक लाइन में खींच देता हूं, दिस वैल्यू कुड बी द टॉप ऑफ द डे, ये दिन का टॉप होने की संभावना है। रेजिस्टेंस अगर अपने आप में स्ट्रांग हो गया बैंक निफ्टी में तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग होने के केस में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का बाजार 369 पर आपको एक डायवर्जन देखने के लिए मिलेगा, 369 पर एक डायवर्जन, ये हो गया 369, ठीक है, ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया। अब नीचे की तरफ बाजार को देखें तो नीचे मैक्सिमम ये बाजार कितना गिर सकता है, नीचे अगर सपोर्ट शिफ्ट हो गया 300 पर तो 300 के डाइवर्जन 275 तक दिखाई देगा, 275 पर एक लाइन खींच लीजिए। एंड द फाइनल वन, अगर पूरा एक्सटेंशन तक गया बाजार तो पूरा एक्सटेंशन यानी कि 178, तो ये रेंज है बाजार की आज की 178, ये रेंज है आज के बाजार की, दिस इज द रेंज ऑफ द मार्केट टुडे। इसमें हमको चार लाइंस दिखाई देती हैं, चार लाइंस में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन, ईओआर प्लस वन लिख दीजिए, ईओआर प्लस वन, क्योंकि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में अभी टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, ये ईओआर, ईओआर और ये न्यू ईओएस, न्यू ईओएस इफ सपोर्ट शिफ्ट्स, अगर शिफ्ट होता है तो, और ये एग्जिस्टिंग यूएस, यूएस, ये चार लाइंस, इन चार लाइंस में बैंक निफ्टी में भी आपको एक सिरे का इंतजार करना है, उसी सिरे पर इंतजार दिखाई देगा। निफ्टी को देखें तो निफ्टी फिलहाल अभी वहीं पर स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है, वहीं पर स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है, रेड ग्रीन कैंडल्स बनती हुई आपको दिखाई देंगी। तो निफ्टी बैंक निफ्टी, बहुत सारे लोग हमारे साथ आ गए हैं, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज भी किया हुआ है, चलिए बात करते हैं उपेंद्र सिंह जी से। उपेंद्र सिंह सर अनम्यूट करें प्लीज। हेलो, बताएं सवाल बताएं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, बहुत दिन बाद बात करी है, 5 महीने। हाँ, कैसा चल रहा है बताइए। बस बढ़िया चल रहा है सर, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी तो मतलब रियल ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, 5-6 महीने टाइम दे रखा हूँ बाजार को सीखने के लिए। सही है, कुछ समझ में आ रहा है बाजार, आज क्या दिखाई दे रहा है बाजार में? बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर। धीरे धीरे ट्रेड शुरू करिए भैया, बहुत टाइम हो गया, इतने दिन तक नहीं रोक के रख सकते, करने लगेंगे। ठीक है, करेंगे। अभी तो चार्ट एक्यूरेसी 1 पॉइंट के हिसाब से तो मार्केट निफ्टी बेयरिश दिख रही है, बेरिश दिख रही है, लेकिन अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, रेजिस्टेंस ऐसे ही कंफ्यूज्ड रहा तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाएगा, तो बॉटम से बाइंग आ जाएगी बाजार में, वो तो बुलिश हो जाएगा, फिर तो बुलिश हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग हो भी रहा है सपोर्ट, ध्यान से देखिए, है ना। हाँ, परसेंटेज कम हो रहा है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर 1 घंटा ऐसे ही बाजार इधर ही टिका रह गया तो यहाँ से उड़ जाएगा हवा में, ग्रीन 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 कैंडल्स मारते हुए ऊपर टॉप तक चला जाएगा, 814 तक। जी जी, चलिए बढ़िया है, समय दीजिए। विनय पांडे जी अनम्यूट करें प्लीज। विनय पांडे जी अनम्यूट करें प्लीज। हेलो जी, बताएं। आज सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं, बताइए सर। बस एक बार आशीर्वाद दे दीजिए, बस और कुछ नहीं। कितना टाइम, सादर चरण स्पर्श सर। कितना टाइम हो गया कम्युनिटी में? कम्युनिटी में सर 3-4 दिन हुए बस। 3-4 दिन ही हुए हैं बस? बस आशीर्वाद दे दीजिए, बस और कुछ नहीं सर। चलिए ठीक है, तो वीडियोस देखना शुरू कर दिया है आपने? बिल्कुल देख लिया, 2 वीडियो देखा है, नोट्स बनाया है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, नोट्स भी बनाया है, नोट्स लगातार बना रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स आपको सेंड करूंगा। 7 हफ्ते तक कोई ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ पेपर ट्रेड करनी है, ठीक है। ओके सर, आशीर्वाद तो दिया नहीं सर, बस आशीर्वाद दे दीजिए, मैं चला जाता हूँ। समय दीजिए, सीखने में समय दीजिए, और आप अपने को खुद ही से आशीर्वाद दे सकते हैं अगर आप धैर्य रखें। नहीं सर, आपकी आशीर्वाद चाहिए हमको, एक बार बोल दीजिए सर, आप खुश रहिए बस। समय दीजिए, जितना समय देंगे उतना सर। समय दूंगा सर, बस आशीर्वाद दे दीजिए सर, यही आशीर्वाद है, और क्या रहा हूं सर। बस पैर छू रहा हूं सर, मैं जल्दी बस ज्यादा समय नहीं लूंगा सर, बस आशीर्वाद दे दीजिए बस। बिल्कुल बिल्कुल, वक्त दीजिए, है ना। चलिए पंकज कुमार डेका जी अनम्यूट करें प्लीज। पंकज कुमार डेका जी अनम्यूट करें प्लीज। जीनी बस अभी लगेगा, 15 जुलाई तक शायद टाइम लगेगा जीनी में। पंकज कुमार डेका जी अनम्यूट करें प्लीज, बताएं सर।
जैन सर, जैन सर बताएं। बस बढ़िया है सर, बढ़िया सीख रहा हूँ। बहुत दिन के बाद बात। आजकल आजकल कोई बीच में कोई उथापे उथापे तो नहीं पाले हैं? ना ना सर, बिल्कुल एकदम बढ़िया से चल रहा है। कल भी एक ही ट्रेड लिया, वो वाला दो डेढ़ बजे के करीब वो आया था ना, 68 से उठाया सर, सीधा एकदम फुल अपर तक लेके गए। अब कोई परेशानी तो नहीं आ रही है? सब स्लोली सही चल रहा है ना सर? ये क्या बताऊं, मेरा ही गलती है। अभी पहले ये चीज पहले समझने से अभी तक मेरा ये हालत नहीं होनी। नहीं अभी तो ठीक है ना, पिछले 3-4 महीने से? 4 महीने से नहीं है, 2 महीने से बढ़िया है। 2 महीने से बढ़िया है ना, ठीक है। अब बीच में फिर गड़बड़ मत करिएगा, क्योंकि पहले आप सही चल रहे थे, बीच में आपने गड़बड़ी कर दी। अब फिर अब जब सही हो गए 2 महीने से, तो अब कोई गड़बड़ी मत करिएगा, है ना? ना ना ना, अभी तो सर सिंगल डबल में ही चल रहा हूँ सर। ठीक है ना, चलिए। कल सर ट्रेड सही था ना वो? चलिए बढ़िया है, चलते रहिए। ठीक है, चलिए। श्याम सिंह जी अनम्यूट करें प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताएं कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ सर। बताइए सवाल बताएं। मैं अभी अभी जो है कि कम्युनिटी में ज्वाइन किया हूँ। हालांकि आपका वीडियो मैं काफी समय से देख रहा हूँ, लगभग 1.5 साल से। तो उस टाइम मुझे इतना जानकारी नहीं था, तो मैंने कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया था। तो अभी जब मैं संडे का जो वेबिनार है उसमें ज्वाइन किया, तो मुझे समझ में आया, तो उसके बाद मैंने ज्वाइन किया। और ट्रेडिंग लगभग मैं 1.5 साल से कर रहा हूँ सर, लेकिन अभी भी मतलब अधूरा है, पूरा अच्छे से सीख नहीं पाया। अभी रिकॉर्डेड वीडियो मैंने देखा है अभी तक 2 वीडियो, जिसमें से अभी रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में समझा हूँ कि किस तरीके से जो है कि LTP कैलकुलेटर में शो हो जाता है सामने में स्क्रीन में। इसके अलावा अभी सीख ही रहा हूँ। चलिए ठीक है, समय दीजिए, कम से कम 7-8 हफ्ते का समय दीजिए, है ना? धीरे 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 शुरू होंगे 7-8 हफ्ते बाद, फिर 6-8 महीने में धीरे धीरे मेच्योर होने शुरू होंगे। ये सीखना एक सतत प्रोसेस है, ठीक है ना? तो ये सीखने का कोई सीमा नहीं है सर, वो तो सीखते रहेंगे। कोई सीमा नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर कम्युनिटी में भी आपको सीखने की कोई सीमा नहीं है, ठीक है? साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जितना भी टाइम लगता है उतना समय दीजिए, देते रहिए, देते जाइए, है ना? और समय धीरे 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 बदलेगा, और जितनी मेहनत करेंगे उतना बाजार समझ आएगा। ठीक है सर, ओके। इसी दौरान कुछ और फीचर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, और स्टॉक मार्केट को सीखना किसी एक ड्यूरेशन की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई हम 10 घंटे के कोर्स 30 घंटे के कोर्स में बांध दें और हम स्टॉक मार्केट सीख जाएंगे। वो कोर्स आपको सिर्फ एक स्टॉक मार्केट का ओवरव्यू देने में मदद करेगा। बाजार को अगर सीखना है तो बाजार में हमको सतत निरंतर जीवन भर लगे रहना पड़ेगा। इसीलिए ऑप्शन चेन की कम्युनिटी आपको इनेबल करती है, एक तो कैलकुलेटर पर 50% के डिस्काउंट की, और दूसरी चीज इनेबल करती है जीवन भर सीखते रहने का एक्सेस की। यानी कि अगर आपको मेरे साथ जीवन भर सीखते रहना है तो यू कैन ज्वाइन ऑप्शन चेन कम्युनिटी एज वेल। कम्युनिटी के मेंबर्स जीवन भर सतत क्लासेस करते रह सकते हैं, समझते रह सकते हैं बिना किसी फीस को पे किए हुए। तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, बिना किसी फीस को पे किए हुए। कहने का मतलब ये है कि जीवन भर कोई रेकरिंग फीस नहीं पे करनी है, कम्युनिटी ज्वाइन करने की वन टाइम फीस। अब कैलकुलेटर के अदर फीचर्स को भी देखते हैं। यहाँ पर ऊपर टॉप पर आपको बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, हिस्टोरिकल डेटा, संडे वेबिनार और ज्वाइन कम्युनिटी के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर यहीं आप होम बटन पर क्लिक करें तो आपको कैलकुलेटर पर एक छोटा सा पब्लिक इंडिकेटर है, जहां पर लोगों के वोट से ये बाजार दिखाई देता है कि कैसा दिखाई दे रहा है। देखिए, लोगों ने वोट किया हुआ है, और नहीं अभी शायद ये वाला फीचर बंद है, क्लिक टू वोट में कुछ ही लोगों ने वोट किया, अभी ज्यादा लोगों ने वोट नहीं किया हुआ है, तो ये वाला फीचर शायद अभी बंद है। तो दूसरे फीचर्स देखते हैं। दूसरे फीचर्स में हमारे पास रैली, स्टॉक साइड एडिपिक्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस, तीन फीचर्स है। तो चलिए, रैली, स्टॉक साइड एडिपिक्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले स्टॉक्स में से हम लोग सबसे पहले रैली स्टॉक्स को देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज रैली करने की संभावनाएं रखते हैं। तो बुलिश रैली करने वाले में 4 स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ABB, कैनफिन होम, नेस्ले और पिंड। तो ये चारों को देखते हैं, ABB, कैनफिन होम, नेस्ले, पिंड। ठीक है,
तो एबीबी को देख लीजिए, बुलिश रैली स्टॉक, अगर इसका सपोर्ट स्ट्रांग हो गया तो 4100 के नीचे से रिवर्सल आएगा, इसमें 4100 के नीचे से। ए बी बी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोई ट्रेडिंग टिप्स नहीं है, ये हम बाजार को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बिना बाजार को समझे या फिर बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के से एडवाइस लिए, फर्जी वाला फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, अच्छा वाला से, आप इस बाजार को, इसको ट्रेड करने की कोशिश मत न करें। अगर आपको समझ नहीं आता है तो, समझ आता है तो आप अपने रिस्क पर सोच सकते हैं। तो एबीबी में क्या दिखाई दिया हमको, एबीबी में हमको ये दिखाई दिया कि सपोर्ट इसका 4100 पर अगर स्ट्रांग हो जाए तो इसमें एक रैली आने की संभावना रहेगी, यानी कि 4100 के नीचे अगर ये एबीबी आपको दिखाई दे दे लगभग 4069 के आसपास और सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग हो जाए तो एक अच्छी बड़ी बुलिश मूव देखने के लिए आपको एबीबी में मिलेगी। मैं 4069 पर एक लाइन खींच देता हूं, कंडीशन ये है कि सपोर्ट को स्ट्रांग हो जाना पड़ेगा। दूसरा स्टॉक कैन फिन होम, बुलिश रैली स्टॉक में, बुलिश रैली स्टॉक में दिखाई दे रहा है, यहां पर भी सपोर्ट अगर स्ट्रांग हो जाता है तो इसमें भी हमको 750 के नीचे यानी कि 743 से कैन फिन होम में एक बुलिश रैली देखने के लिए मिल सकती है। तो 743 पर एक लाइन खींच देते हैं, लेकिन यहां पर भी कंडीशन यही है कि सपोर्ट को स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्या होता है स्ट्रांग सपोर्ट या स्ट्रांग रेजिस्टेंस, क्या होता है वीक टुवर्ड्स टॉप सपोर्ट या वीक टुवर्ड्स टॉप रेजिस्टेंस, क्या होता है वीक टुवर्ड्स बॉटम सपोर्ट या वीक टुवर्ड्स बॉटम रेजिस्टेंस, ये सब मेरी दी हुई थ्योरीज है बाजार में और इनको धीरे 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 सतत हम लोग सीखेंगे समय के साथ। नेस्ले में सपोर्ट रेजिस्टेंस बेहद दूर दिखाई दे रहा है, इसलिए नेस्ले हमारे लिए आज के दिन में कोई स्टडी अभी फिलहाल नहीं बनती। पिंड एक अच्छा, सबसे अच्छा, इन चारों में मैं सबसे अच्छी बात करूं, जो चार हमने देखे तो सबसे अच्छा मुझे पिंड दिखाई दे रहा है। पिंड में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 3665 का है, इन चारों में मैं कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे पिंड सबसे अच्छा दिखाई दे रहा है। तो पिंड को देखिए, पिंड में हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा है, पिंड में हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट दिखाई दे रहा है 3665 पर, सबसे अच्छा और सबसे स्ट्रांग सपोर्ट इसका दिखाई दे रहा है 3665 पे। तो यहां पर आप एक लाइन खींच सकते हैं, अगर बाजार यहां पर मिलता है तो ये बाजार यहां से फिर बुलिश मूव, बुलिश डोर लगाने के लिए तैयार हो जाएगा, यानी कि रैली देने के लिए तैयार हो जाएगा। सो दिस इज पिंट। तो ये बुलिश रैली वाले स्टॉक्स थे। बेरिश रैली वाले स्टॉक में सिर्फ एक स्टॉक है, पेट्रोनेट। कंडीशन यही है कि अगर इसका रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग हो जाए, तो अभी स्ट्रांग नहीं है, येलो कलर दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाए तो 224.75 यानी कि 225 के आसपास से कहीं पेट्रोनेट में बेरिश रैली आएगी। तो पेट्रोनेट ये रैली वाले स्टॉक्स हो गए 225 के आसपास। ये देखिए एक बार ऑलरेडी सुबह आ भी चुकी है, हाउएवर फिर से अगर बाजार आपको 225 पर मिलेगा और रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग हो गया तो टूटता हुआ बाजार यहां से हमको दिखाई दे देगा बेरिश रैली। चलिए अब ये हो गए रैली स्टॉक्स। इसी तरीके से आईडेडी पिक्स भी है अपने आप में। आईडेडी पिक्स में भी आप स्टॉक्स में, आईडेडी पिक्स पर आप क्लिक करें तो आपको ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे मिल जाएंगे जो अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर खड़े हैं और जो बुलिश या बेरिश होने वाले हैं। रैली स्टॉक्स बड़े मूव देते हैं, आईडेडी पिक्स आपको एक डायवर्जन तक के मूव देते हैं। आईडेडी पिक्स में अगर बात करें बुलिश में, बजाज फिनसर्व, बीपीसीएल, कमिंस, टीएलएफ, फिन निफ्टी, ग्रेनुअल्स, इंडालको, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडिया होटल्स, इंडस टावर, इन्फी, आईटीसी, कोटक बैंक, एलटीआई, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ल्यूपिन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, माइंडट्री, रिलायंस, सन फार्मा और टोरेंट फार्मा। अगर बेरिश की बात करें तो अपोलो टायर, बालकृष्ण, हीरो मोटो, आईसीआईसीआई प्रू, इंडसइंड बैंक, आईआरसीटीसी, लॉराज लैब, पीरामल, टाटा पावर, अल्ट्रा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, वेदांता और जाइडस, ये सारे स्टॉक्स बेरिश में दिखाई दे रहे हैं। तो इनको भी आप अपने एक एंगल से जांच सकते हैं, परख सकते हैं। अगर आपको एलटीपी कैलकुलेटर और ऑप्शन चेन को प्रॉपरली सीखना है तो सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीखने के लिए आपको हमारा संडे वेबिनार ज्वाइन करना पड़ेगा। संडे वेबिनार के लिए लिंक आपको दी हुई है, कमेंट बॉक्स में पिन की हुई है। अगर आपने इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अब फिलहाल बाजार को देख लें, यहां पर बाजार कैसा दिखाई दे रहा है। तो बाजार अभी हमको फिलहाल कैसा दिखाई दे रहा है, बाजार में निफ्टी को के ऑप्शन चेन को फिर से देख लेते हैं। और अब इस ऑप्शन चेन को देख करके मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट धीरे धीरे अपने आप में बेहद स्ट्रांग होता चला जा रहा है। वीकली रेंज की बात करें तो 678 है, इसका ख्याल रखिएगा।
हालांकि बाजार कल वीकली रेंज को तोड़ के क्लोज हुआ है, लेकिन फिर भी ख्याल रखिएगा एक उम्मीद हो सकती है। हाउएवर अभी फिलहाल बात करें तो सपोर्ट अपने आप में धीरे धीरे पूरा स्ट्रांग हो चुका है और रेजिस्टेंस में अब अच्छा अच्छा कंफ्यूजन बन रहा है 750 और 800 के बीच में। कंटिन्यूअसली ये दोनों वॉल्यूम्स एक दूसरे को बीट करने की कोशिश कर रही है। ओपन इंटरेस्ट भी 800 पर आ गया है, तो कुल मिला जुला के बाजार का टॉप 800 के आसपास कहीं दिखाई दे रहा है, उससे ज्यादा ऊपर बाजार नहीं दिखाई दे रहा है 800 और 750 के बीच में। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 815 है, तो बेचने का मौका वहां से मिलेगा लेकिन 2:30 बजे के बाद नहीं, याद रखिएगा। खरीदने का मौका बॉटम से खरीदारी, क्योंकि सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग हो गया है। रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अब धीरे धीरे, अब यहां से और आधे घंटे बीचेंगे तो 10:30 बजे तक आप कह सकते हैं कि ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। तो ऐसे केस में जब भी बाजार आपको बॉटम पर मिलेगा हम खरीदने की कोशिश करेंगे। टॉप पर बाजार 815 तक हमको दिखाई दे सकता है और फिलहाल अभी के लिए इस बाजार में इतना ही है। तो इन लाइंस को खींच के रख लीजिए, फोटो खींच के रख लीजिए, दिन के अंत में इसको मैच कराइएगा, देखिएगा कि कहां से कहां तक बाजार इन लाइंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। एलटीपी कैलकुलेटर के और फीचर्स को सीखना है, जानना है, देखना है, रिवर्सल प्राइसेस को देखना है। ये इंडिया में एकमात्र अपना ऐसा टूल है जो कि बाजार में रिवर्सल प्राइसेस को बताता है। जीनी की बात करें तो जीनी अभी धीरे धीरे आपके पास आ जाएगी, थोड़ा समय लगेगा। जीनी से पूछते हैं कि सपोर्ट क्या है आज, तो जीनी कहती है 18,700 का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस आज मार्केट में क्या है, तो जीनी कहती है 18,800 का है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी क्या बोल रही है, तो जीनी कह रही है कि ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है, रेजिस्टेंस का वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम है, सपोर्ट का ओआई वीक टुवर्ड्स बॉटम है, सपोर्ट का वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम है। ऐसे केस में रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, शुड आई टेक ट्रेड, तो जीनी कहती है दिस इज चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 सिनेरियो नंबर 6। मार्केट जनरली रिवर्सेस फ्रॉम एंड ऑफ डाइवर्जन और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ब्लड बाथ एक्सपेक्टेड, ऐसा जीनी भी लिख रही है, क्योंकि वीक टुवर्ड्स बॉटम दोनों है। इसलिए अभी जीनी पूरी तरीके से बनी नहीं है, अभी ये इतनी स्मार्ट नहीं है, जो सामने दिखाई दे रहा है बस वही रीड कर रही है। ऐसे केस में 732 और 825 दो वैल्यूज जीनी बता रही है, जो कि 732 हाईली रिस्की ट्रेडर्स के लिए और 825, तो अभी इस पे रिसर्च जारी है। ये डेटा अभी ऑथेंटिक नहीं है जीनी का, लेकिन जीनी अभी इतना काम कर सकती है, इतना कुछ बता सकती है। धीरे धीरे जब ये और स्मार्ट होगी, धीरे धीरे जब इसको और पढ़ा देंगे, सिखा देंगे, तब ये आपके लिए लॉन्च करेंगे और तब ये जीनी आपको बहुत कुछ इस बाजार में बता पाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए और अपनी वैल्यू का इंतजार करके बाजार में किसी भी ट्रेड को परफॉर्म करने की कोशिश करिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग, इन्वेस्टिंग डेडी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो पर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप हमें ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो @daddyinvesting, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो @investingdaddy पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम पर हम है नहीं, हम आपको आगे से कभी कोई कॉल करते नहीं है। अगर संडे वेबिनार ज्वाइन करना है तो लिंक दी हुई है।